दोस्तों, आज हम आपको ऐसी अजीम शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जो चित्रकला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं और आपने शून्य से शिखर तक का सफर किया है। मेरे मुराद पद्मश्री श्याम शर्मा जिसे है आर्ट कॉलेज के विश्वस्त के ओहदे से सेवानिवृत्त हुए हैं, मेरे बड़े भाई जान हैं। मैंने इनसे जब गुजारिश की, इन्होंने गुफ्तगू के लिए अपनी रजामंदी दी, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। श्याम शर्मा जी बारीकी से बहुत सारी बातें हमें समझाएंगे, चित्रकला की जानकारी नहीं रखते हैं, फिर भी हम आकर्षित होते हैं, तो हमें कैसे समझ पैदा करनी चाहिए इसके संदर्भ में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले श्याम शर्मा जी, हम चाहेंगे आपसे कि आप अपना आत्म परिचय दे दीजिए। ये बड़ा मुश्किल काम है और आप जैसे बड़े लोगों के लिए तो और मुश्किल काम है जो अपने आप को तुच्छ मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई जी। मैं एकांत में कभी सोचता हूं कि मैं चित्रकार ही क्यों बना जी, तो मुझे बहुत पीछे मुड़कर देखना पड़ता है अपने बचपन से और आज तक का जो मेरा कला का सफर है, जो कला यात्रा है जी, उसके बारे में जब विचार करता हूं तो उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे बचपन को जाता है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास एक छोटे से कस्बे में हुआ जिसका नाम गोवर्धन है। बहुत ही रमणीक और धार्मिक स्थान, बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध, और वहां मैं पैदा हुआ। मैं मध्यम वर्गीय परिवार में था, बाबा प्रधानाध्यापक थे, नाम बता दीजिए, पंडित गेंदालाल मिश्र, माता जी का भी नाम, और पिताजी पंडित नरसिंह दास मिश्र, वो भी शिक्षक थे, माँ चंदा देवी वो गृहिणी थी। इन सबके बीच में मेरा बचपन कटा जी। बाबा मुझे चाहते थे कि मैं भी अध्यापक बनूं जी, पर मेरा मन कहीं और लगा था जी। जब मैं स्कूल जाता तो बीच में एक मंदिर पड़ता था, उसकी दीवारों पर नाथ द्वारा के चित्रकार जी कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते थे, बनाते रहते थे, उनके चटक रंग रेखाएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं घंटों उनको देखता रहता और स्कूल देर से पहुंचता और वहां पर मुझे पिटाई मिलती जी। जी जब घर आता स्कूल से आने के बाद में, शाम को मैं खेलने चला जाता बच्चों के साथ। हमारे गांव में एक हामिद चाचा की साइनबोर्ड पेंटिंग की दुकान थी, हम उनको हामिद चाचा कहते थे। वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, मराठी सब भाषाओं में खूब रंगीन साइनबोर्ड बनाते, बहुत खूब। पर सबसे अच्छा मुझे क्या लगता था, साइनबोर्ड बनाने के बाद वो एक स्टेंसिल उठाते थे और उसका बॉर्डर छाप देते थे जी, जिसमें तोता, सुग्गा, मोर, फूल, पत्ता होते थे। ये मुझे बड़ा मैजिकल लगता था कि एक मिनट में चाचा ने कितना सुंदर बॉर्डर बना दिया। वाह, जाने अनजाने में ये छापा कला का आपके जरिए जहन में मेरे बैठ गया जी। जब हमारे यहां नवरात्रि की पूजा होती जी, तो मां आंगन को गोबर से लीपकर एक दीवार को पर सफेदी कर देती और हाथ में रोली या कुमकुम या हल्दी लगाकर
दीवार पर छाप देती और कहती ये देवी माँ है, आप इनकी पूजा करो जी। ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता जी। फिर छपाई, यहां तक कि गांव की महिलाएं जब गाय के गोबर का उपला या अंडा या गोईठा बनाती उसके ऊपर भी वो हाथ की एक छाप बना देती जी। तो जाने अनजाने में ये छापा कला से मेरा परिचय इस तरह हो गया। और जहां तक कला में चिंतन की बात है, मेरे गोवर्धन में एक विशाल शिलाखंड है जी, उसकी पूजा होती है। सुबह में लोग उस पर दूध चढ़ाते हैं और शाम को वो निराकार होता है और बिना जाति भेदभाव के सब कोई उसको स्पर्श कर सकते हैं जी। सुबह में वो आकृति निराकार होती है और दोपहर के बाद शाम को उसी शिलाखंड में आंख नाक कान हाथ बनाकर उसको कृष्ण का स्वरूप बना देते हैं जी। ये साकार और निराकार दोनों का संगम, फिगरेटिव और नॉन फिगरेटिव जी, आकृति मूलक, आकृति सापेक्ष और आकृति निरपेक्ष, ये जो धारणा बचपन में देखने को मिली जी, वो आज तक कभी मेरे चित्र आकृति मूलक हो जाते हैं और कभी कभी आकृति निरपेक्ष हो जाते जी। हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव का जो संगम है, मैं आज सोचता हूं वो मुझे खेलते कूदते मेरे बचपन से मिला। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी का बरेली में प्रिंटिंग प्रेस था जी, तो मैं पढ़ाई के लिए आगे बरेली चला गया, मेरी वहां एडमिशन हो गया, पर हर शाम को मुझे पिताजी की मदद करने प्रेस में जाना पड़ता, प्रिंटिंग प्रेस में जाना पड़ता था। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को मैंने आठवीं नौवीं दसवीं क्लास तक, छपाई कैसे होती है, कैसे कंपोज होते हैं टाइप, पुराने जमाने में ट्रिबिल मशीन से छपाई होती है, एक रंगी दो रंगी तीन रंगी, मेरा मन, और बचे टाइम में मैं चित्र बनाता था। बहुत डांट पड़ती थी कि अंग्रेजी पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, मैं गार्जियन की अच्छी हाँ होती, हाँ डॉक्टर इंजीनियर। जब मैं बीए में पहुंच गया, अच्छा आप एक लाइन चाहेंगे उसमें कि आपने डिग्री कैसे कैसे ली ये बता दीजिए। मैं बीए तक पहुंच गया आगरा यूनिवर्सिटी में और कला में मेरा इतना रुझान हो गया कि मैं बीए में फेल हो गया जी। अब मेरे सामने समस्या थी, अब क्या करूं। नहीं, आपने स्कूलिंग कहां से की? स्कूलिंग बचपन में गोवर्धन ग्राम में हुई, फिर बरेली में मैंने आईए बीए किया जी। बीए की पढ़ाई करते करते फेल हो गया और कला मेरी परवान चढ़ने लगी। तो आप ग्रेजुएशन में हुए? हाँ ग्रेजुएशन। उसके बाद मैं पिताजी से निवेदन करके मैं कला की शिक्षा के लिए लखनऊ आ गया, लखनऊ विश्वविद्यालय में, वहां कला और शिल्प महाविद्यालय था, उसके में मेरा प्रवेश हो गया। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, उस समय देश के महान चित्रकार वहां शिक्षक होते थे, पद्मश्री सुधीर खास्तीर, मदनलाल नागर, आर एस बिष्ट, योगेंद्र नाथ वर्मा योगी, ये सब आपके ये सब हाँ, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, जिन्होंने मुझे छापा कला की शिक्षा दी। जब मैं कला महाविद्यालय पहुंचा तो देखा कि वहां भी छापा कला एक कला के रूप में, वहां भी वही रोलर रंग है जो बरेली में मेरे पिताजी के पास थे, तो वो माध्यम मुझे बड़ा जाना पहचाना सा लगा और मेरा मन कला की शिक्षा के साथ छापा कला में ज्यादा रमने लगा। सही बात। और प्रोफेसर दिनकर कौशिक ने कला की बारीकियों बताई, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल ने तकनीकी बारीकियां बताई, मेरे कला गुरुओं के जिम्मे जो भी आज हूं वो सब मेरे कला गुरुओं की देन है जी। जिन्होंने मेरे अंदर
वो कला सृजन की प्रेरणा भर दी जो आज तक मेरे साथ लगी हुई है, क्योंकि वो स्वयं भी रोज पूजा की तरह, आराधना की तरह वो रोज कला साधना करते थे, वो उदाहरण थे मेरे सामने। इसलिए जब मैं कला शिक्षा समाप्त करके कला शिक्षक के रूप में कला महाविद्यालय पटना में शिक्षक नियुक्त हुआ और यहां मुझे सौभाग्य मिला छापा कला विभाग प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने का, मैं सन 66 में 1966 में यहां शिक्षक के रूप में आया और मेरी नियुक्ति भी छापा कला विभाग में हुई थी। तो मुझे यहां छापा कला विभाग स्थापित करने का सौभाग्य मिला। अपने सीमित साधनों में जी मैंने विद्यार्थियों को छापा कला की जो पद्धतियां मैंने सीखी थी उनको सिखाना शुरू किया, और नया माध्यम होने के कारण विद्यार्थियों ने भी बहुत ही उत्साह से इस माध्यम को अपनाया। और एक ही मेरी विशेषता रही, नियमित कला सृजन करता रहा जी। मैं नियमित कला दर्शन के लिए, कला की बारीकियों को जानने के लिए शांति निकेतन जाता रहा, भारत भवन भोपाल जाता रहा, कला की प्रदर्शनियां देखने दिल्ली लखनऊ जाता रहा और नियमित अपने ज्ञान को ज्ञान वर्धन करता रहा, कला सृजन करता रहा। और वो कला सृजन नियमित करने के कारण मेरे विद्यार्थियों में भी वही स्पिरिट पैदा हो गई नियमित कला सृजन की। कला सिखाई नहीं जा सकती जी, वो व्यक्तिगत उत्थान की प्रक्रिया है जी। कला की का व्याकरण सिखाया जा सकता है, कला की तकनीक सिखाई जाती बहुत है, बात कर रहे हैं, पर कलाकार होना ये व्यक्तिगत रुचि की बात है। मैंने अपने कला विद्यार्थियों को कला की तकनीक व्याकरण के साथ कुछ ऐसा सिखाया जो आज मेरे विद्यार्थी मुझसे बहुत आगे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कलाकार हैं। और मैं क्या बोलूं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बड़े शहरों में फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में वो स्थापित हैं। जो व्यवहारिक पक्ष है कला का, बहुत सारे कला शिक्षक हैं नवोदय विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल में, कॉलेजेज में, बीएड कॉलेज में, पर मुझे आकर्षित करते हैं वो विद्यार्थी जो कला को साधना में नियमित लगे हुए हैं। महाविद्यालय में 31 वर्ष शिक्षण के बाद प्राचार्य बना और प्राचार्य पद से ही 2000 में सेवा मुक्त हुआ। और ऐसा संयोग हुआ कि मैं अमेरिका की कला यात्रा पर मुझे आमंत्रित कर दिया गया और मैं वहां 6 महीने तक छापा कला, जो मेरी अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसमें मैंने वहां रह के काम किया और वहां के लोगों को से सीखा और अपनी जो मैंने इंडिजीनियस प्रोसेस डेवलप किया था छापा कला में, भारतीय छापा कला पद्धति क्या है और विदेशी पद्धति छापा कला की क्या है, दोनों को मिला के मैंने वहां काम किया। उनके चित्रों की भारत में आकर ललित कला एकेडमी दिल्ली में शो किया और अन्य स्थानों पर शो किया। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी दिल्ली ने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार छापा कला में मिला और लगभग 100 भारतीय और विदेशी कला प्रदर्शनियों में भाग लेने को मौका मिला, अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय
कला शिविर में आमंत्रित किया गया, जहां मैंने चित्र रचना की और अपने जो साथी कलाकार से उनसे सीखा, जिससे मेरी कला में दिनों दिन इजाफा होता गया और जो भी हूं मैं आज, मैं नियमित कला सृजन और जागरूकता के कारण जी कला में, कला सृजन के साथ जागरूकता बहुत आवश्यक है कि आज दुनिया में कला के क्षेत्र में क्या हो रहा है और हम क्या हैं, हम कैसे अपना विकास करें तकनीकी और सौंदर्य बोध, एस्थेटिक्स हमारा कैसे डेवलप हो जो चित्रों में दिखाई दे। हमेशा ये कोशिश करता रहा हूं कि मेरे चित्रों के विषय या मेरे चित्रों के चिंतन समय समय पर बदलते गए, समय की तरह समय के साथ बदले। इमरजेंसी से पहले मैं अमूर्तन चित्रकला छापा चित्र बनाता था, पर इमरजेंसी के बाद अचानक मेरे चित्रों में ह्यूमर बिट सटायर बड़े व्यंगात्मक होने लगे। मैंने एक श्रृंखला बनाई छापा चित्रों की, जो लकड़ी से छापकर, जिनको उत्प्रिंट माध्यम कहते हैं छापा कला में, उस माध्यम से मैंने एक लंबी चित्र श्रृंखला बनाई जिसमें जो आम जीवन में जो व्यंग का आनंद है, जो सटायर का आनंद है, जो ह्यूमर का आनंद है, वो मैंने क्रिएट किया, जिस पर मुझे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नीदरलैंड से मिला। बहुत ऐसे करके मेरी नियमित, कभी मैं मूर्तन होता गया, कभी अमूर्तन होता गया, समय के साथ मेरा चिंतन बदलता गया, कभी मैंने प्रकृति में जो अनसुलझे प्रश्न मेरे मन में उठते थे उनको मैंने चित्रित किया। अर्थ एंड स्पेस एक छापा का चित्रों की बड़ी श्रृंखला मैंने बनाई, अंडरग्राउंड नेचर की, जो आज जमीन के ऊपर हम एक लाल पीला हरा फूल देख रहे हैं, उस बीज के साथ क्या प्रक्रिया हुई होगी, उसने कैसे जमीन से मिट्टी से रंग इकट्ठे किए होंगे और ऊपर आकर हमको रंगीन दिखाई दे, वो प्रक्रिया क्या है, उसके कल्पना लोक में उतर कर मैंने एक अंडरग्राउंड सीरीज की रचना की, वो अपने तरह की अलग थी। धीरे धीरे मेरे रंग छापा चित्रों में से कम होते गए और मैं कम शब्दों में अपने छापा चित्रों को अव्यक्त करता रहा। कोरोना पीरियड में तो मेरे छापा चित्र खाली काले रंग की महत्ता को दर्शाने लगे। मेरी दृष्टि में काला रंग बहुत ऊर्जावान रंग है, बहुत मिस्टीरियस कलर है, बहुत बोल्ड कलर है, उसके अंदर एक सस्पेंस छुपा हुआ है। मैंने काले रंग के अंदर उस कालिमा को खोजने की कोशिश की जिसकी वजह से काला रंग होता है। काला रंग मेरे लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग पैदा करता है इन स्पाइट ऑफ निगेटिव। बहुत अच्छी बात। उसके बाद मैंने काला रंग भी मेरे छापा चित्रों से तिरोहित होता गया और आजकल मैं सफेद में सफेद को खोजने का प्रयास कर रहा हूं, इम्बॉस पद्धति से पेन पेपर को कैसे उभार देकर उस पर प्रकाश डालकर उसके उभार से आकृतियां बाहर आती हैं बिना रंग के, उसका आनंद मैं आजकल ले रहा हूं। यही मेरी अब तक की कला यात्रा है। इधर पिछले महीनों मेरी एक बड़ी प्रदर्शनी विजुअल आर्ट गैलरी इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुई, जो तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी दिल्ली ने आयोजित की और जिसका क्यूरेशन डॉक्टर अलका पांडे, बहुत प्रख्यात
कला इतिहासकार, कला मर्मज्ञ और बहुत रुचि संपन्न क्यूरेटर हैं, उन्होंने उस प्रदर्शनी को आयोजित किया जिसका नाम को एग्जिस्टेंस रखा गया। को एग्जिस्टेंस मींस समरसता जी। आज भारत विकास की ओर है, पर मेरा मानना है बिना समरसता के विकास नहीं है, विकास संभव, पूर्ण विकास संभव नहीं है। समरसता मतलब जियो और जीने दो, ये जैन दर्शन से हमको मिलता है जी। और उसमें ये है कि पूरा समाज जब विकसित होगा तब भारत विकसित होगा, कोई देश विकसित, उसी पर आधारित मेरे चुने हुए चित्रों की एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। अभी एक नई प्रदर्शनी भारत भवन भोपाल आयोजित करने जा रही है, मई या जून में वो प्रदर्शनी आयोजित होगी, उसमें मेरे नए पुराने वो मेरी पुनरावलोकन प्रदर्शनी रेट्रोस्पेक्टिव शो होगा, जिसमें मेरे पहले चित्र से लेके अब तक की कलाकृतियों को दर्शक देख पाएंगे। यही मेरी कला यात्रा है। आमतौर पर लोग कला से आकर्षित तो होते हैं, लेकिन कला की जो समझ है कि आपने जो बनाई है, आप क्या कहना चाहते हैं, ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल होता है। कुछ आप रास्ता बताएं, जैसे मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। साहब, जैसे उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, ये सब भाषाएं हैं जी। अब अपनी बात कहने के मैं सक्षम है, ऐसे ही चित्रकला जी, संगीत कला भी एक भाषा है जी। चित्रकला रंग और रेखाओं की भाषा है जी। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि हमारा दर्शक जो ये पूछता है कि आधुनिक कला या समसामयिक कला हमारी समझ में नहीं आती, तो मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि इस भाषा को समझने के लिए आपने कितना समय दिया। सही कहा आपने, कितना आप जिज्ञासा है। जैसे संगीत को, शास्त्रीय संगीत का आनंद लेने के लिए हम कानों को, कान को परिपक्व करते हैं सुनने के लिए जी। सही, एक है संगीत का व्याकरण और एक है शुद्ध संगीत जी। उस शुद्ध संगीत का आनंद लेने के लिए जब हम कानों को परिपक्व कर लेते हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व और हमारे जो बड़े बड़े गुलाम अली खां और जो बड़े महान संगीतकार हुए, हम झूमने लगते हैं जी। जैसे जैसे हमारी रुचि चित्रकला देखने की कला है, हम उठते बैठते चलते फिरते देखते ही रहते हैं जी। इवन हम सोते समय भी देखते हैं जी, स्वप्न स्वप्न देखते हैं। तो ये देखने की जो अनवरत प्रक्रिया है जी, उसका एक माध्यम है आंख, जो प्रकृति ने हमको देखने का एक उपकरण दिया है जी। आंख देखने का एक यंत्र है जी, देखता कोई और है जी। जी, माध्यम है, माध्यम मात्र। जब यंत्र खराब हो जाता है तो मैकेनिक से ठीक करा लेते हैं, जब हमारा आंख का यंत्र खराब हो जाता है तो डॉक्टर से ऑपरेशन करा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं जी। ये देखने का यंत्र है जी, पर देखता कोई और है। जब किसी अच्छी आकृति को या अच्छे रंग को हम देखते हैं आंख के माध्यम से, तो हमारे मन में एक गुदगुदाहट होती है। मैं दिल नहीं कह रहा हूं, मैं मन कह रहा हूं जी। जी, और मन उसका आनंद लेता है और मन उसी आनंद को रिले करता है मस्तिष्क में जी, जिसको हम विवेक कहते हैं जी, ज्ञान कहते हैं। और विवेक तय करता है ये किस स्तर की सुंदरता है जी। जी,
ये तो बहुत खराब है, ये बहुत अच्छी है। ये निर्णय हमारा विवेक करता है और विवेक को हमको विकसित करना पड़ता है। वो हमको उपहार में नहीं मिलता, हर व्यक्ति को अपना विवेक विकसित करना पड़ता है। तो जो बात आंख से शुरू हुई जी, दूसरी आंख है दिल की जी, और तीसरी आंख है विवेक की, विवेक की। इन तीनों प्रक्रियाओं से हम देखना शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात। और शाहिद साहब, हम एक जैसा बोल सकते हैं, मैं कोई लफ्ज बोलूं आप भी बोल सकते हैं जी जी, पर एक जैसा देख नहीं सकते। सही कहा। हम अपनी अपनी रुचि जी, अपने अपने अनुभव और अपने अपने विकसित सौंदर्य बोध, संवेदनशीलता, इन चारों चीजों को मिलाकर हम देखना का अंदाज विकसित करते हैं। हमारी रुचि चित्रकला में है कि नहीं, उसके लिए हमारी सौंदर्य बोध कितना विकसित है, देखने का अंदाज कितना विकसित किया है हमने कान की तरह, हमारी संवेदनशीलता कितनी है कि हम कलाकृति की आकृति को आनंद लेने के लिए कलाकार के अंदर प्रवेश करके उसका आनंद लें जी जी, कि कलाकार इस स्तर तक कैसे पहुंचा। जब हम संवेदनशील होते हैं तब उसका संवेदनशील, जो संवेदना आप कलाकार ने डेवलप की है उसी संवेदना में प्रवेश करके उसका आनंद लेना। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी। तो ये जो प्रक्रिया है देखने की, हम डेवलप करना, एक जैसा बोल सकते हैं पर एक जैसा देख नहीं सकते। जब प्राणी का विकास हुआ तो शुरू से देखने के लिए प्रकृति ने उस प्राणी को आंख एक यंत्र के लिए समान दी। आज मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ शरीर के सारे अंग बदल गए जी। आंख ऐसा यंत्र है जो पहले दिन भी देखना था और आज भी देखना है। और ये देखने की प्रक्रिया, हम स्थूल तक देखने की कोशिश करते हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है उसका आनंद लेने की कोशिश हम इन आंखों से करते हैं, पर असली आनंद जो आकृति को हम देख रहे हैं उसके बाद शुरू होता है आनंद, और वो इन्फिनिटी तक चला जाता है, अनंत तक विस्तार उसका हो जाता है। वो जो देखने का अंदाज है, हम नेकेड आइस से तो वही देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है जी। पेड़ हरे रंग का होता है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, पर कलाकार या चिंतक उस पेड़ के क्लोरोफिल को देखता है जो उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है और पेड़ों को हरा भरा रख। कलाकार की देखने की प्रक्रिया शुरू होती है और अनंत तक जाती है। सही बात। और कलाकार रोशनी में भी देखता है परंतु अंधेरे में भी देखता है। जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो हम मस्तिष्क की दिमाग से और दिल की आंख से देखने लगते हैं। सही है। जब हमारी नींद में ये जो भौतिक चक्षु है, आंख है, जब ये सो जाती है तो हमारी अंतर की आंख देखना शुरू करती है, और उसी से साहित्य में या चित्रकला में एक इज्म शुरू हुआ, एक बाज शुरू हुआ, वो है सुररियलिज्म। चित्रकला में अति यथार्थवाद जिसको कहते हैं हिंदी में, वो स्वप्नवाद जो कहते हैं, वो पहले चित्रकला में प्रारंभ हुआ। एक महान चित्रकार डाली हुए हैं, उन्होंने कहा जब हम इन आंख से देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं और बनाते हैं तो नींद में भी तो हम देखते हैं, वो भी तो चित्रों के विषय हो सकते हैं। उन्होंने कला
संसार की रचना की जिसमें माध्यम स्वप्न को बनाया, जिसमें उनका मेल्टिंग वॉच बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। डाली अपने आप में एक कलाकृति थे, कला चिंतक थे, ऐसे करके कलाकार। और उसके बाद यही स्वप्नवाद अंग्रेजी साहित्य में आया, पहले चित्रकला में आया, फिर साहित्य में आया, और फिर और अन्य भाषाओं में आया। अगर हम हिंदी में प्रभाववाद की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं स्वप्नवाद हमको दिखाई देता है, जिसमें कल्पना और प्रतीकों का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। दो शब्द हैं, एक है कलाकार और एक होता है कला साधक। कला साधक होना बड़ी बात है। सही। संगीत सम्राट तानसेन जी महान संगीतकार हो सकते हैं जी, पर कला साधक नहीं हो सकते। कला साधक उनके गुरु हरिदास ये होते थे जो उस परमात्मा के लिए गाते थे, वो आदमी के लिए नहीं गाते थे जी जी। और कलाकार की भी असली कला साधना उसी दिन शुरू होती है जिस दिन वो अपने लिए बनाने लगता है। बहुत बारीक बात आपने की। जिस दिन कलाकार या साहित्यकार अपने लिए रचना करने लगता है उस दिन असली उसकी कला यात्रा प्रारंभ होती है। दूसरों की फरमाइश के लिए बनाना तो वो तो फरमाइशी कला है जी, फरमाइशी कला, दूसरों को खुश करने के लिए कला है। जिस दिन कलाकार रचनाकार अपने आप को खुश करने के लिए बनाता है और उसके जिसने दुनिया को बनाया जो अल हक है जी, उसके लिए जब बनाने लगता है तब असली यात्रा शुरू होती है। और एक शुद्ध कलाकार का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो अनवरत बनाते रहना और उसका आनंद लेना यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। उसको मान सम्मान इस सब से कोई अर्थ नहीं है कि मेरी चित्रों को कोई पसंद करे या न करे, मुझे कला रचना करनी है और अपने अनुसार करनी है, एक पूजा की तरह, एक साधना की तरह, एक इबादत की तरह। मुझे हुसैन साहब की दो लाइनें याद आ रही हैं, एमएफ हुसैन हमारे अग्रज कलाकार, या खुदा जब मैं पेंट करूं तो मेरा कैनवस थाम लेना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मेरी पेंटिंग का फैलाव कितना है। क्या बात है, बहुत उम्दा आपने मिसाल दी। मैं अपनी चार लाइनें सुनाता हूं। अच्छा, आप पेंटिंग का ही आनंद लीजिएगा। बड़ी सी सफेद चादर, बड़ी सी सफेद चादर पर काली चींटी खोज रही है सफेद चीनी का दाना। बड़ी सी सफेद चादर पर काली चींटी खोज रही है सफेद चीनी का दाना, दौड़ रही है दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बना रही है आकृतियां और रेखाएं, न जिनका कोई अर्थ है न अस्तित्व, बस सुख ले रही है सफेद को सफेद में खोजने का। बहुत बहुत शायद यही एक कलाकार का अपना सुख है, एक रचनाकार का अपना सुख है कि वो जीवन पर्यंत उस सफेद को खोजने में लगा देता है कि और उसी का आनंद लेता रहता है। शायद यही रचना प्रक्रिया, एक अंतहीन रचना प्रक्रिया का आनंद है। बहुत अधिकतर लोग कलाकार होते हैं, कला साधक नहीं होते हैं। हम चाहेंगे कि आप ऐसी बात बताइए जो रास्ते पर चलकर वो साधक बन जाए। आज हर कलाकार, क्योंकि कलाकार भी सामाजिक प्राणी है, उसका भी घर परिवार है जी, उसकी भी लाइबिलिटीज हैं, उसको चलाने के लिए उसको अर्थ की आवश्यकता है जी। वो अपने अर्थ की आवश्यकता पूरी करने के बाद, अगर हर कलाकार
कुछ समय शुद्ध कला सृजन के लिए अपने जीवन में से निकाल ले, कभी एक घंटा दो घंटा शुद्ध कला सृजन कि मैं अपने लिए कला सृजन करूंगा जिससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो निश्चित रूप से उसको वो परमानंद का जो आनंद है, जो परम ब्रह्म का जो आनंद है, वो आनंद उसको मिलने लगेगा। आप जब कला साधना में लग जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अपने आसपास के सभी चीजों को भूल जाते होंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसीलिए मैं सबसे ऊपर मेरा छोटा सा स्टूडियो है जहां मैं कला रचना करता हूं, बाकी परिवार नीचे रहता है। जब मैं कला सृजन करता हूं तो पूरी तरह डूब जाता हूं। कला रचना करते समय का जो आनंद होता है जी, वो मेरा अपना होता है और लगता है कि समय छोटा पड़ गया है, ये और बढ़ जाता सब, क्योंकि मैं भी सामाजिक प्राणी हूं, मुझे भी समाज के साथ चलना है, संसार के। तो दोनों पक्षों का अगर निर्वाह हो जाए, मैं अपने आप को कभी नहीं कहता कि मैं महान कला साधक हूं। हाँ, कला भी नहीं चाहिए, मैं कला का विद्यार्थी हूं और अनवरत सीखते रहना चाहता जी जी। जब तक आदमी के अंदर विद्यार्थी बोध होता है उसका विकास होता रहता है, जिस दिन गुरु बोध हो जाता है मेरे ख्याल से वो विकास का वो अंतिम पड़ाव होता है। निश्चित रूप से, क्योंकि और ऐसा सौभाग्य मिला, मैं फिनलैंड गया हेलसिंकी फेस्टिवल में, वहां मैंने कलाकारों को काम करते हुए देखा। मैं यूगोस्लाविया गया, बेलग्रेड, अब सर्बिया हो गया है उस देश का नाम, वहां मैं रहा, वहां के कलाकारों को काम करते हुए देखा। तो वहां से मैंने छापा कला, मैं मुख्य रूप से चित्रकला चित्रकार नहीं हूं, मैं छापाकार हूं, मैं प्रिंट मेकिंग हूं, प्रिंट मेकर हूं, जैसे अभिव्यक्ति की का माध्यम चित्रकला है, मूर्तिकला है, छापाकला है, प्रिंट मेकिंग है, फोटोग्राफी है, उसी तरह से छापा कला भी अपने आप में पूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैं छापाकार हूं क्योंकि शुरू से ही छापा कला में अपनी बात कहने का मैं मुझे आनंद आने लगा, इसलिए मैं चित्र से अधिक छापा चित्र बनाता हूं, पहले ब्लॉग बनाता हूं, पहले चिंतन करता हूं क्या बनाऊं, फिर उसके लिए आकृतियां खोजता हूं, फिर उन आकृतियों को संयोजित करने के लिए ब्लॉग बनाता हूं, उस ब्लॉग पर एक रंग दो रंग लगा के उसको छाप लेता हूं। तो मेरा चित्रों का आनंद चित्र से सर्वथा अलग होता है, उसको देखने का एक अलग प्लेजर होता है जो चित्र से अलग है। अगर मैं चित्र को फुल ऑर्केस्ट्रा कहूं जिसमें सारे साजिंदे हैं, सारे साज हैं, तो प्रिंट मेकिंग चैम्बर म्यूजिक है, अकेले में गाने का आनंद है, कम शब्दों में, कम रंगों में, कम आकृतियों में अपनी बात कहने का जो आनंद है वही एक छापाकार का आनंद है। और मैं छापाकार हूं और मेरी तकनीक इंडिजीनियस तकनीक है जो मुझे छापा कलाकारों की भीड़ से अलग करती है, वो है मेरी इंडिजीनियस तकनीक। छापा कला के लिए मशीन बहुत आवश्यक है जी, मैं बिना मशीन के छापा चित्रों का सृजन करता हूं, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक अलग तरह का कंट्रीब्यूशन है, इंडिजीनियस कंट्रीब्यूशन है। उसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, जब 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार जर्मनी में हुआ, छपने के लिए ब्लॉक बनते थे जी, वो लकड़ी के बनते थे जी, तो शिल्पी या कलाकार ब्लॉक भी इंग्रेव करने लगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम ड्यूरर का आता है, ड्यूरर, मुंच, पिकासो, ये बहुत बड़े प्रिंट मेकर हुए जिन्होंने छापा कला पद्धति के लिए चित्र बनाए, ब्लॉग बनाए।
छपाई कला में मशीनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए प्रिंट मेकर भी मशीन का इस्तेमाल करने लगे, और ब्लॉग जो दूसरों के लिए बनाते थे फिर वो अपनी बात अभिव्यक्त करने के लिए खुद ब्लॉग बनाते थे और खुद छापते थे, जो चित्रों से अलग आनंद देता था। विश्व के महानतम चित्रकारों ने छापा कला माध्यम में उत्कृष्ट कृतियां दी हैं, परंतु भारत में छापा कला हमारे जीवन के साथ विकसित हुई है, हमारे रिचुअल्स के साथ छापा कला विकसित हुई है। हां, उसका उपयोग क्रिएटिव नहीं हुआ, क्रिएटिव बाद में हुआ है, जब कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकिंग आ गई छपाई कला के साथ, तब कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकिंग प्रारंभ हुआ, पर हमारे यहां छापा कला पद्धति ये प्रारंभ से थी। आप याद करिए, जब क्या घर में पैदा होता है तो हम कि यहां हाथ में हल्दी लगा के या कुमकुम लगा के कपड़े पे छाप लेते हैं, और किस दिन किस तारीख किस मुहूर्त में पैदा हुआ। जब नई बहू घर में आती है तो पैर में अलता लगा के, वो भी छापा कला का एक, बिल्कुल सही। और उसके बाद आप देखिए, लकड़ी के ब्लॉक से छपाई होती थी, साड़ियों की छपाई शादी ब्याह के वक्त। हाँ, और जो रईस लोग सिल्क के कपड़े छपे हुए वही पहनते थे। जी जी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम लंदन में दो कपड़ा डिस्प्ले हैं सिल्क पर छपे हुए, एक है साउथ में नागार्जुन कोंडा का और दूसरे है राजगिरी का। मतलब राजगिरी में लकड़ी के ठप्पों से सिल्क पर छपाई होती थी। जी, तो राजा महाराजा धनाढ्य लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वही लोग पहनते थे, आम जन के नसीब में नहीं हुआ। धीरे धीरे ये कला सुलभ होने लगी, और आप याद करिए, आपने देखा होगा साड़ी के बटन पार लकड़ी के ब्लॉक से छापे जाते, मैंने छापते हुए देखा भी। देखा है, हैं? तो ये तो अब की बात है। मतलब हमारे यहाँ छापा का भारतीय छापा कला पद्धति अनवरत विकसित होती रही, और एक सच और उद्घाटित करता हूं, विश्व में छापा कला की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी। जी, अभी ये बहुत ही अनसुलझी पहेली है। जी, इस पर काम करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में पूरे विश्व से विद्यार्थी आते थे, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे पढ़ने आते थे। जी, विश्वविद्यालय को जलाया गया तो यहां के जो आचार्य थे वो यहां से अपनी जान बचा के भागे। जी, तो भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्ति तो अपने साथ ले नहीं जा सकते। जी, थे वो कपड़े पर छपी हुई बुद्ध की आकृति अपने बैग में रख के अपने सामान के साथ ले गए, दिखाने के लिए कि देखो बुद्ध ऐसे थे। जी, और उनकी प्रीचिंग्स ये हैं। जी जी, और वो वहीं गए जहां के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे। जी, यहां के आचार्य चाइना गए क्योंकि चाइना से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे। तिब्बत गए, नेपाल गए, श्रीलंका गए क्योंकि यहां के विद्यार्थी यहां आते थे। और जब यहां के आचार्य लोग चीन के तूफान क्षेत्र में पहुंचे तो देखे कि अरे यहां तो जो छापा कला हमने सिखाई थी यहां तो विकसित होकर व्यवसाय बन गई। जी, वही छापा कला चाइना से जापान गई, और बीच में तिब्बत, तिब्बत में छापा कला एक नए रूप में विकसित हुई, सो कॉल्ड जाइलोग्राफ। जाइलोग्राफ वो पद्धति है जिसमें ब्लॉक के ऊपर इंक नहीं लगाई जाती, ब्लॉक के ऊपर कागज रखा जाता है और एक पोटली में इंक बनाकर ड्राई जब चलाई जाती है तो उभरे हुए अक्षर काले रंग से छप जाते हैं, और उन पांडुलिपियों को राहुल सांस्कृतायन तीन बार तिब्बत से लाकर बिहार रिसर्च सोसाइटी में संग्रहित किया। आज भी वो जाइलोग्राफ जो लकड़ी के ब्लॉक से बुद्ध धर्म की पुस्तकों के रूप में है संग्रहित है। इसका मतलब छापा कला पद्धति इंडिजीनियस प्रोसेस से भारत से शुरू हुई
और बिहार से शुरू हुई, इस पर अभी शोध होना बाकी। मैं तो वही इंडिजीनियस प्रोसेस से बनाता हूँ, चित्रों का आनंद लेता हूँ, यही मेरा जीवन है, यही मेरी दिनचर्या है। अच्छा ये होता है कि आपके लिए कोई समय निर्धारित है या कि ऐसा जब आपके ऊपर वो कला सृजन का मूड सवार हुआ तो आप? नहीं, मैं मूड पर विश्वास नहीं करता जी। मैं जब अपने स्टूडियो में चला जाता हूँ तो मूड बन जाता है, तो मेरा मूड बन जाता जैसे पढ़ना चाहता है, वहां की सामग्रियों को देख के बनाने का मन मेरा डेवलप, ये बहुत उन ब्लॉकों को देख के उनको छापने का ही मन करने लगता है, और मैं सोच कर नहीं बनाता हूं कि क्या बनाऊं, मैं बनाना शुरू कर देता हूं। जी जी, एक कलाकार का जो दो प्रक्रिया है, पहले सोच कर बनाना और बनाकर सोचना। जी, मैं बनाकर सोचने में विश्वास रखता हूं जी, उससे मेरे चित्रों में एक स्पॉन्टेनिटी आती है, एक ताजगी आती है, एक गति आती है, एक लय आती है। जी जी, तो मैं ब्लॉग बना लेता हूं, फिर उनको संयोजित करता हूं, और वो चित्र क्या कह रहा है, अब कौन सा रंग चाहिए, नहीं चाहिए, अब इसको और कौन सा टोन चाहिए, कौन कितना टेक्सचर चाहिए, वो करते करते आने लगता है और मैं बनाने लगता हूं। जी तो नहीं चाहता हो, अगर मैं दर्शक होता हूं तो घंटों के वीडियो को देखता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, आज हम बहुत जानकार हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत धनवान हुए हैं, लेकिन समय के मामले में बेहद कंजूस, हम अपने घर वालों को नहीं समय दे पाते हैं। तो साहित्य हो, कला हो, समाज हो, अध्यात्म हो, उसमें क्या समय देंगे? तो हमारे व्यूअर्स भी अच्छा उसी के अनुसार हमारी रुचि बन गई है, हमको पैसा कमाने में ज्यादा आनंद आने लगा, हमको भौतिक सुविधाएं जुटाने में ज्यादा मजा आने लगा है, आध्यात्मिक आनंद से ज्यादा। सही है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अभी जैसे मैं आप जो बात कर रहे थे तो हमको लगा जैसे मूसलाधार बारिश हो और जो बच्चा उछल उछल कर नहाता है खेतों में, उस तरह की वर्षा का अनुभव कर रहे थे। और जी नहीं चाहता था कि मैं बीच में कोई बात बोलकर आपके मैंने बोलने के रवानी में कोई रखना डालू, लेकिन अफसोस इस बात का मैं कर रहा था कि हमारे व्यूअर्स जो है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि 2 मिनट 4 मिनट व्यूअर्स मुझे व्यू दें, हम चाहते हैं कि मेरे जैसे लोग हैं मैं उन्हीं के लिए बनाता हूं, जो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं। आपके आप तो समुंदर है ज्ञान के, हमने अभी आपसे एक चुल्लू भर भी पानी नहीं लिया है, आपसे उतना भी हम ज्ञान नहीं लिया है। हम चाहेंगे कि देखिए आपकी शख्सियत के कई पहलू, मैं जानता हूं आपको, हमारे आपके ताल्लुकात मैं समझता हूं 30 साल से कम के नहीं रहे होंगे, हमारी मोहब्बत बनी रहे। आप कथाकार भी हैं, आप कवि भी हैं, तो कथाकार और साहित्य के सिलसिले में मैं आपसे अलग से फिर बात करूंगा, एक मौका और हम आपसे लेंगे। कला के सिलसिले में भी ये हम समझते हैं ये एक किस्त है, पहली किस्त, और हम चाहेंगे कि आप अपना स्टूडियो का सिर्फ दर्शन करा दें लोगों को, और जब दूसरा कोई वीडियो बनाएंगे तो आपके वो उन चीजों को भी मैं देखूंगा। अभी एक अवलोकन मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को करा दूं। आइए, आप आपका ये जो कला साधना मंदिर है वो कैसा है? आइए 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 आइए। यह है श्याम शर्मा जी का निवास स्थान। न्यू पाटलिपुत्रा पानी मैं छापा चित्र बनाने के साथ साथ म्यूरल भी बनाता हूं। ये टेराकोटा म्यूरल है, पकी हुई मिट्टी का, ऐसे मैंने बहुत सारे म्यूरल बनाए हैं जो अनेक स्थानों पर स्थापित हैं। यह है परम आदरणीय श्याम शर्मा जी का
वो कला साधना कच्छ जिसका ये बाहरी हिस्सा है, थक गए आराम करने के लिए एक बेड भी है और मन उकताया तो ये बाहर का दृश्य, ये छत है और यहीं बैठकर बहुत से काम करते हैं। इसमें मेरी लिखी हुई पुस्तकें हैं जी और मेरे ऊपर लिखी हुई पुस्तकें हैं। ये पुस्तक इसी महीने ये अहमदाबाद ने छापी है मेरे कला सृजन को, और इसकी खासियत है इसमें मेरी डायरी है जी, मेरे बचपन से लेके अब तक की डायरी फॉर्म में जी ये पुस्तक है। तो ये कुछ लिखने का जो शौक है वो मूर्त रूप में देख सकते हैं। ये कैटलॉग्स हैं जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में जो चित्र प्रदर्शित हुए जी उनके गवाह हैं ये सारे। और इधर आपको जो ये सम्मान मिला है, हाँ ये शायद मेरी इंडिजीनियस छापा कला पद्धति को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने मुझे इस सम्मान के लिए चुना, पद्मश्री के लिए चुना। जिनसे मैं अपने छापा चित्र बनाता हूं, पहले ब्लॉग बनाता हूं इस पर इंक लगाकर फिर उसे मूर्त रूप देता हूं। ये सारे आपके ब्लॉग्स? हाँ, ब्लॉग्स हैं जिनको समय समय पर मैं बनाता हूं। ये कोरोना पीरियड का पेंटिंग है जी कि कैसे चिड़ियों को मैंने लड़ते हुए, इसमें बहुत सारी चिड़ियां हैं और ये पूरा कोरोना का शून्य ब्लैंक वातावरण है शांति वाला। और ये बगल में, और ये हैं डिफरेंट मुखौटे हैं, ये पेपर मैसी एक माध्यम होता है जी उससे बनाए हुए हैं जी। ये अभी जो दिल्ली में एग्जीबिशन हुई थी ये उसके पोस्टर्स हैं, मेरा डेमोंस्ट्रेशन भी हुआ था, ये इंडिजीनियस प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप भी मैंने किया था और ये पोस्टर हैं ऐसे। ये मेरा वो है जहां मैं छापता हूं जी, ये मेरे रंग रोलर ब्लॉक्स हैं, ये प्रिंटिंग इंक हैं जिनसे मैं छापता हूं, और इन सब में मेरे कला सृजन भरे हुए हैं, भरे हुए इन सब में जी मेरे चित्र भरे हुए हैं। ये बाहर भेजने के लिए भोपाल अभी शो है, ये भेजने के लिए पैकेट हैं जी, तो इसी सब में मैं आनंद लेता रहता हूं। एक बात मन में मेरे उभरी उभरती रहती है कि आदमी साहित्यकार हो या कलाकार हो या ऐसे भी समाज सेवी या जो भी हो जो बहुत बड़े होते हैं, उनके वारिस नहीं होते हैं लगभग लोगों के। जैसे कोई महान कवि, साहित्यकार, कलाकार, हकीम, वैद्य, ये लोग अपनी जिंदगी में तो जितनी सेवा चाहते हैं दे देते हैं, लेकिन उनके आने वाली नस्लें उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती। आपके वारिस हैं कि नहीं? मेरे वारिस, सबका अपना अपना अलग रास्ता है जी। मेरी पत्नी नाटक से जुड़ी हुई हैं जी, जीवन भर उन्होंने, नवनीत शर्मा जी पटना रंगमंच की बहुत श्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं, फिर निदेशक रही हैं, वो क्रिएटिविटी में नाटक से जुड़ गई जी। मेरा बेटा, एक बेटा है वो नाम बता दीजिए, अभिषेक शर्मा जी, वो आर्किटेक्ट है
और वो भी नाटक करता है जी, फिल्म करता है। अभी उसका एक सीरियल आया है, मामला लीगल है जी, बहुत फेमस वो है यूट्यूब पर। ऐसे वो नियमित थिएटर से जुड़ा हुआ है और प्रोफेशनली वो आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्चर भी उतना ही क्रिएटिव है जितना पेंटिंग स्कल्पचर। मेरी बड़ी बेटी अमेरिका में है, उसने आर्ट हिस्ट्री में मास्टर्स की है, पीएचडी की है नेशनल म्यूजियम दिल्ली से। अभी वो अमेरिका में पढ़ाती है कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट में एशियन हिस्ट्री, और वर्किंग आर्टिस्ट है, नियमित कला सृजन करती है। मेरी छोटी बेटी स्कल्प्टर है और वो बड़ौदा से पास किया उसने एमएस यूनिवर्सिटी से, फिर दिल्ली कॉलेज में पढ़ी। दिल्ली कॉलेज में 17 बरस उसने पढ़ाया। अभी वो अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई है। मेरी जो पुत्र वधु है वो असम की है, वो नियमित गाती है। नाम बता दें, दिव्या शर्मा। वो नियमित गाती है और घर में एक बहुत ही आध्यात्मिक धार्मिक माहौल बनाने के लिए उसकी बड़ी सक्रिय भूमिका है। कला का नाम क्रिएटिविटी है जी, चाहे आप कोई अभिव्यक्ति का कोई भी माध्यम हो, वो क्रिएटिविटी दिखाई देनी चाहिए जी। मैं आपको बताऊं, एक शब्द है परंपरा जी। परंपरा को अब तक हम बहुत ही रिजिड ढंग से देखते आ रहे हैं। परंपरा का मतलब ऑर्थोडॉक्स समझते हैं जी, पर भारतीय कला दृष्टि के अनुसार परंपरा वो होती है जो अब तक हमारे अग्रज कलाकारों ने परम की प्राप्ति की है कला में जी, उससे परे जी, उसमें आप कितना इजाफा कर रहे हैं जी, वो परंपरा है जी, जो अब तक हो चुका है जी, जो अब तक परम है कला में जी, उससे परे उससे आगे ही परंपरा है जी, भारतीय कला दृष्टि के अनुसार। तो माध्यम कोई भी हो पर उसमें क्रिएटिविटी होना जरूरी है। वो आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने उनसे गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू का फायदा हमारे दर्शक उठा सकते हैं अगर वो चाहें तब। हाँ, वरना अच्छी चीजों को सीखने की जरूरत है। संगीत में क्या है, चित्रकला में क्या है, अच्छी फिल्म क्या होती है, ये सारी जो कला की और कला जीवन में अनुशासन पैदा करती हैं, एक रस पैदा करती हैं जो जीने के अंदाज को बदल देती हैं जी। अब आवश्यकता है आज के समाज को नए अंदाज में जी, अपने जीवन को रसमय बनाने की, नहीं तो पूरा समाज तो टेंशन से गुजर ही रहा है जी जी। इसमें कला ही एक ऐसी माध्यम है जो मेंटली रिलैक्स देते हैं, सही है, सुकून बख्श, सुकून देते, सही है। तो पद्मश्री श्याम शर्मा जी, मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने तमाम वो उपकरणों को भी दिखाया और उन चीजों को भी जो आपके कला साधन केंद्र में है। ये मेरे लिए ये यादगार पल है और मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। ये आपकी मोहब्बत का हमने फायदा उठाया और मेरी मेहनत का फायदा उठाने वाले हमारे दर्शक होंगे। एक बात मैं अपने वीडियो के सिलसिले में आमतौर पर लोगों की इस शिकायत के बावजूद काम करता हूं, वो ये है कि आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, इतना कौन देखेगा। मैं कहता हूं देखने वाले देखेंगे, सब नहीं देखेंगे, चंद लोग देखेंगे। मैं व्यू कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं जो खुद देखता हूं और दिखाना उसी को चाहता हूं जो देखने योग्य है। ये सारी चीजें जो मैंने कलेक्ट किया है इसी उद्देश्य से किया है, इसलिए मैं वीडियो लंबा बनाता हूं जो देखने वाले देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ताहिद भाई, आपने इतना मौका दिया और मेरे अंदर छुपी हुई बातों को आपने रिकॉर्ड किया।
नहीं।